Namagyanatimirandasy Jnananjanashalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. या पिताजी बता देते हैं तो क्या हम उठा के फेंक दें? यस. तो प्रमाण क्या है? भागवत है. भागवत में बोलते हैं गुरुर न सस्यात, वो गुरु गुरु नहीं है. स्वजनो न सस्यात, वो अपना बंधु नहीं है, रिलेटिव नहीं है. पिता न सस्यात, वो पिता नहीं है. जननी न सस्यात, वो वास्तव में माँ नहीं है. दैवम न तत्स्यात, वो देवता असल में है ही नहीं. वो पतिश्च न सस्यात, वो पति पति नहीं है. जो अपने पर निर्भरों को वैकुंठ जाने का पथ नहीं बताता अथवा हरि सेवा में बाधा देता, भगवत का श्लोक है. और फिर भी हम लोगों के माइंड में डाउट रहेगा, तो आप लोग तो सभी जानते हैं महाभारत रामायण वगैरह. स्वजन हमें अपना भाई बहन जो भी समझो. तो विभीषण को जब ये बाधा दिया, बड़े भाई रावण को उठा के फेंक दिया उसे. हालांकि रावण और विभीषण में कोई झगड़ा झाटी नहीं थी, वो उसको पसंद ही करता था, किंतु हरि सेवा में बाधा दिया तो उसको उठा के फेंक दिया, छोड़ के राम के पास आ गया. पिता न सस्यात, अगर पिता बाधा देता हो वो असल पिता नहीं हो सकता है, इसलिए उसको छोड़ देते हैं. वो बोले भला कैसा हो सकता है, ये सो सकता है. क्या सा एग्जाम्पल है? प्रहलाद महाराज अपना बाप हिरण्यकश्यप को छोड़ दिया. जननी न सस्यात, वो माँ माँ नहीं हो सकती, उसको छोड़ सकते हैं. उसका उदाहरण कौन है? भरत महाराजा. कैकेयी से कह दिया तुम्हारा शक्ल में नहीं देखना नहीं चाहता, जाओ यहाँ से. पूरा पैलेस छोड़ के बाहर निकल के नंदीग्राम में धरती थल मिला. वो तो वास्तव में उसके प्रेम से ही किया था. राम को भगाया उसने, कैकेयी ने, अपने बेटे को राज्य मिले. शी थॉट शी वॉज वेरी मच अफेक्शनेट टू हिम, बट ही नोज कि वो हरि सेवा में है, वो ये बाधा दे रही. पतिश्च न सस्यात, वो पति पति नहीं है. थोड़ा डर लगता है. कृष्ण के वृंदावन लीला में तो आप देखे हैं ब्राह्मण की पत्नियां, उन सब ब्राह्मणों को छोड़ के सीधा चली गई कृष्ण के पास. किंतु पहले छोड़ने के पहले अपने आप को स्ट्रांग करना चाहिए, पूरा कन्विक्शन डेवलप करके भगवान के श्री चरण में संपूर्ण शरणागत होना चाहिए. वही एकमात्र व्यक्ति में साहस होगा छोड़ने का, अदरवाइज हिल जाएंगे. किंतु इस शास्त्र का प्रमाण है. तो उन्होंने महाबली के मन में ये सब बातें आई. तो ये तो बहुत बचपन से इससे हम सीखें, अभी इनको छोड़ना पड़ेगा. ऐसा धर्म संकट आया, नाउ ही हैज टू चूज बिटवीन दिस गुरु एंड कृष्णा. गुरु अगर वैष्णव होता तो जरूरत नहीं है, और वैष्णव होता तो वो बाधा देगा भी नहीं. तो इसलिए यहां बोलते हैं तुष्णीम भूतवा. तुष्णीम मीन साइलेंट, दो मिनट रुक गया सब सुनने के बाद. नाउ ही स्पीक्स, अभी डिसीजन लिया. सत्यम भगवता प्रोक्तम धर्मोयम गृहमेदिनाम अर्थम कामम यशो वृत्तिम च न बाधेत कर्हिचित. गुरुजी आपका कहना ठीक ही है, जो गृहस्थ आदमी है उसके लिए धर्म अर्थ काम ये तीनों चलना चाहिए, उसमें बाधा नहीं आनी चाहिए. यू आर सेइंग द राइट थिंग. किंतु सचाहम वित्त लोभेन प्रत्याचक्षे कथम द्विजम पतिशुत्य ददामीति प्रहलादि ही कतवो यथा. मैं तो प्रहलाद जी के वंश में आया हूँ, मैं इनको दूंगा करके प्रॉमिस करने के बाद मैं मुकर जाऊँ कैसे? ये बातें वो बता रहे हैं, भीतर से भगवान जी गाइड कर रहे हैं. भगवान जी सबके भीतर में विष्णु रूप में है, परमात्मा रूप से.
वही ज्ञान देंगे, नहीं तो ये बोलने की ताकत इसमें नहीं है। योग्यता बिचारे किछु नहीं पाए, तुम्हारो कोरोना सार। हम लोग बोलते हैं, हम अभी मैं बोल रहा हूँ, कौन बोल रहे हैं? एक्चुअली गुरुजी बोल रहे हैं, उनकी कृपा नहीं होने से मेरी बोलती बंद हो जाए। इसलिए महाबली बोल रहे हैं, अभी कैसे बोल रहे हैं, भगवान जी उससे बुलवा रहे हैं। इसलिए बोला जाता है, जब ये परफेक्शन अचीव करते हैं, माने सिद्ध होते हैं, साधक और सिद्ध दो है ना, तो साधना करके सिद्धि प्राप्त करते हैं, माने भगवत दर्शन होता है और परम धाम में चले जाते हैं, उनको बोलते हैं साधन सिद्ध। और भी एक मुक्त व्यक्ति है, उसको बोलते हैं कृपा सिद्ध। तो साधन सिद्ध, जैसे साधारणतः हम लोग सभी साधन कर रहे हैं, अभी बाद में सिद्धि प्राप्त हो सकती है कुछ लाइफ टाइम में, किंतु भगवान की कृपा से इंस्टेंटली एक आदमी सिद्ध हो जाएगा, मुक्ति पा लेगा, वो ये है महाबली। कृपा दृष्टि से भगवान की कृपा सिद्ध, इसलिए वो बोलने लगा। बोलते हैं भूमि देवी भी बोलती है, सर्वम ओढ़ुम अलम मन्ये हृते अली का परम नरम, मैं सब कुछ सहन कर लूँगी, मगर मिथ्या बोलने वाला बहुत बोझा हो जाता है मेरे ऊपर। तो आज की तारीख में क्या पोजीशन देखो, पूरा मिथ्या मिथ्या ही जगती मिथ्या। नाहम बिभेमि निर्यात, मैं नरक में जाने से नहीं डरता हूँ, अधन्यात, गरीब होने से भी नहीं डरता हूँ, सुखार नवात, आई एम रेडी टू टॉलरेट ऑल मिसरेबल सिचुएशंस, स्थानात चवनात, इवन इफ ए फॉल डाउन फ्रॉम द मोस्ट एग्जॉल्टेड पोजिशन ऑफ अ किंग, आई डोंट माइंड, पदच्युति हो जाती है तो भी आई डोंट माइंड, मृत्यु हो, मृत्यु से भी नहीं डरता, किंतु विप्र प्रलंबना, ब्राह्मण के पास झूठ बोलने में मेरे को बहुत डर लगता है। यद्यद हास्यति लोकेस्मिन संपरेतम धनादिकम तस्य त्यागे निमित्तम के विप्रतुष्टित चेत, बोलते हैं गुरुजी मैं जब भी मरूंगा सब कुछ तो मेरे से अलग हो जाएगा, सब कुछ चला जाएगा, मेरा कुछ भी साथ में नहीं जाएगा। अब मरने के समय में सब मेरे से अलग हो जाएगा, मुझे छोड़ना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा सब कुछ ज़बरदस्त। तो अगर एक जो ब्रह्मचारी खड़ा है सामने, उसके लिए मैं त्याग दूँ तो वो क्या ठीक नहीं होगा? क्या ठीक नहीं होगा? गुरु जी को पूछते हैं, शेय कुर्वन्ति भूतानां साधवो दुस्त्यजभिः दद्यं ऋषि शिभि प्रवृत्यः को विकल्प धरा। आगे भी गुरु जी शिभि चक्रवर्ती थे, दद्यं ऋषि थे, ददीची ऋषि, ये लोग अपना प्राण तक दे दिया साधु के लिए। एक बार क्या वृत्रासुर बोल के एक असुर था, उसको मारना बहुत कठिन था, तो इंद्र ब्रह्मा जी से प्रार्थना किया, वो इंटर्न नारायण जी से प्रार्थना किया, नारायण जी ने इंद्र को कहा, ददीची बोल के एक ऋषि है, उसके हड्डी से एक आयुध तैयार होगा, उससे उसको मारा जा सकता है। तो ये लोग पूरा ग्रुप ददीची मुनि के पास चले गए, वो तो ध्यानस्थ थे, आंख खुली तो वो बोलते हैं, आप लोग क्या चाहिए, इतने पहले सारे देवी देवता मेरे पास आए हैं, आपको क्या कर सकता हूँ सेवा? बोला आप थोड़ा मर जाइए ना। है, मर जाऊँ? क्यों मर जाऊँ? अरे साक्षात नारायण मांगने से भी कोई प्राण नहीं देता, तुम्हारे लिए मर क्यों? नहीं नहीं, क्योंकि आपकी हड्डी से हम लोग का कुछ काम है। तो फिर उससे मजाक किया, बट ही अंडरस्टूड, इट्स एट ऑल राइट बोल के एक मिनट बैठे, ध्यानस्थ थे, ऐसे शरीर छोड़ दिया, आत्मा चली गई उसको आयुध बनाने के लिए। तो ऐसे बहुत सारे राजा महाराजागण ऋषि मुनिगण अच्छे काम के लिए दे दिए थे, क्या मैं देने से ठीक नहीं होगा? फिर सुलभायुधि विप्रर्षे ह्यनिवृत्तस्तनुत्यज न तथा तीर्थ आयाते श्रद्धया ये धनत्यज। बोलते हैं ये विप्रर्षे गुरुजी, जब युद्ध होता है उसमें पीठ ना दिखाकर युद्ध में खड़े होकर युद्ध कर युद्ध में प्राण देने वाला आपको मिल जाएगा,
आपको मिल जाएगा। किंतु तीर्थ आयाते उचित पात्र सामने आने से धनत्य जगह धन देने वाला आपको सुदुर्लभ मिलेगा। क्योंकि वैसे भी प्राण त्याग करना युद्ध क्षेत्र में इजी नहीं है। जो भोगने वाले राजा महाराजा सब प्रकार का भोग करते हैं उनको चांस मिलने से युद्ध क्षेत्र से भागने का नहीं, प्राण देना पड़ेगा, मिल जाएगा, ऐसा भी याद मिल जाएगा।